उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कौशाम्बी से बरामद। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ की निशानदेही पर पुलिस ने किया जब्त। असद के एनकाउंटर पर बोला, अतीक का भाई अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला आज। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हुई थी मौत। असम में बिहू महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक साथ हजारों लोगों ने नृत्य कर बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने असम को दी एम्स समेत 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। यह अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ये असम है। गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान के भरतपुर का करेंगे दौरा। बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी जीत का मंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची आबकारी घोटाले की जांच। पूछताछ के लिए सीबीआई ने भेजा समन्स। रविवार 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित। बिहार में आज से जातिगत गणना के दूसरे चरण की शुरुआत। घर घर जाकर लोगों से पूछे जाएंगे 17 सवाल। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 17 अप्रैल से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। तौल निकाल ली, मतलब ये कि अतीक अहमद ने एसटीएफ को बताया कि वो असद ही था जो सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता दिख रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक का दावा है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छिपी हो सकती है। इस बात की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रयागराज की अदालत में एक बुर्के वाली महिला की तस्वीर अचानक वायरल हो गई।